जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र खितौला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां संपत्ति के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से बार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि कुल्हाड़ी से वार करने के बाद बेटे ने अपने पिता का घर में ही इलाज मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ज्ञान सिंह की घर पर ही मौत हो गई। जब पूरी घटना हुई तब ज्ञान सिंह की पत्नी चंद्रवती घर पर नहीं थी। अगले दिन वह घर पहुंची तो उसके पति ज्ञान सिंह ने अपने साथ हुई घटना अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद आरोपी बेटा भागचंद मौके से फरार हो गया। वहीं ज्ञान सिंह की मौत हो गई। आरोपी भागचंद की मां चंद्रवती ने पूरे मामले की शिकायत कुंडम थाने में पहुंचकर की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस फरार आरोपी बेटे भागचंद की तलाश कर रही है। ये कुंडम के खितोला गांव की घटना है, जिसमें आरोपी जयसी ने अपने पिताजी को कुल्हाड़ी मार करके घायल किया था। ये घटना 7 तारीख की थी और उसके बाद में वो घर पे इलाज कराते रहे और उसके बाद उसका 2 दिन बाद डेथ हो गई। तो मृतक की पत्नी थी, मृतक ज्ञान सिंह की पत्नी चंद्रवती के द्वारा थाने में रिपोर्ट करने थे। आरोपी जो कि मृतक का ही लड़का है जैसी, उसके विरुद्ध 302 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। आरोपी अपने ससुराल में रहता था और घटना के कुछ समय पहले अपने गांव आया था। उस समय मृतक और आरोपी ही घर पे थे, उनके परिवार के लोग।